नमस्ते गाइस, मैं मोहन वंशवत नागपुर से आपके लिए बिल्कुल नया प्रोडक्ट लेकर आया दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्मार्ट जो है हमारी दोस्तों यहाँ पे डीसी मशीन है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सुगौन की 3005 PM ये मॉडल आप ध्यान में रखिए दोस्तों, सुगौन 3005 PM ये जो डीसी मशीन है दोस्तों, डीसी पावर सप्लाई है, बहुत ही एडवांस डीसी पावर सप्लाई है, स्मार्ट डीसी पावर सप्लाई है दोस्तों, बहुत ही अट्रैक्टिव भी है दोस्तों, और इसमें फीचर्स भी वैसे अट्रैक्टिव आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, मैं अभी आप वीडियो को एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपको सारे फीचर्स पता चले इस वीडियो के। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, बड़े साइज की डिस्प्ले पैनल्स दी हुई है, बड़े साइज में आपको डिजिट्स देखने को मिलते हैं, वो भी व्हाइट कलर में, जो आपके आपको चुभेगी नहीं और आपको क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है दोस्तों, वोल्टेज दिया हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पे करंट के लिए आपको एम्पियर का अलग से दिया हुआ है, इसके अलावा ये वैटेज वैट का आपको अलग से दिया हुआ है। ये दोस्तों किस चीज के लिए ये भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप जो है ये डीसी मशीन जो आपके दो चीजें और माइनस कर देती है आपके टेबल से, जो आपका एक चार्जिंग बॉक्स आता है दोस्तों ऐसा वाला, ये जो है बॉक्स, इसकी आपको इसकी कमी देखिए दोस्तों। अब मुझे अभी इस डीसी मशीन के साथ में इसको यूज करना पड़ रहा है, तो ये एक डीसी मशीन के अंदर में सारे फंक्शंस हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 6 चार्जिंग पोर्ट्स दिए हुए हैं, हर चार्जिंग पोर्ट का आपको पता भी चलेगा। जैसे कि मैं अभी आपको ये फोन है मेरा, ये अपने चार्जिंग पे लगाया हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो मैं अभी इसको चार्ज पे लगाता हूँ पोर्ट 1 के अंदर में, तो ये मुझे बताएगा कितना फोन चार्ज हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये ले रहा है ऑलमोस्ट 0.089 एम्पियर के आसपास करंट, और 0.360 वोल्ट का ये चार्ज ले रहा है दोस्तों, वैट का चार्ज ले रहा है। देखिए दोस्तों, चार्ज भी हो रहा है फोन अपना, दिख भी रहा है यहाँ पे चार्ज हो रहा है करके। तो इस तरीके से जो है आप दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग भी कर सकते हैं, साथ साथ आप इसको डीसी मशीन के एज फंक्शनिंग का यूज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं भी आपको एक और चीज बता दूं इसके अंदर में, अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको और फंक्शन बता पाऊँ अच्छे और अच्छे तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एडजस्टेबल यूएसबी आउटपुट 0 वोल्ट से 30 वोल्ट तक के आप इसको यूज कर सकते हैं, जो फास्ट चार्जिंग फोन के फीचर आते हैं वो भी इसमें सपोर्टेबल है 30 वोल्ट तक। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे अलग से 2 पोर्ट दिए हुए हैं, जिसके अंदर में आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर का करंट मिलता है, यहाँ पे 2 एम्पियर मैक्स करंट देता है आपको फोन के लिए, जो काफी अच्छा होता है बड़े फोन्स के लिए चार्जिंग के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये मशीन के अंदर आपको दो अच्छे ऑप्शंस क्या मिलते हैं कि आप यहाँ पे मशीन को 2 मोड में यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे 8.4 वोल्ट में अभी ये सेट है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच है, मैंने 8.4 पे रखी है, तो 8.4 का लाइट ग्लो कर रहा है। अब मैं जैसे इसको 30 पे करता हूँ तो ये लाइट बंद हो जाएगा, और लिमिट इसकी आप मतलब 8.4 के ऊपर और 30 वोल्ट के बीच में जो भी आपकी एक डिजिटल वैल्यू रहती है तो उसके बीच में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो मशीन है ये 30 वोल्ट और 5 एम्पियर और 150 वैट मैक्स इसका आउटपुट है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छी है, जिसके अंदर में आप इसको लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज इसको आप दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग के लिए तो यूज करते हैं ये लोग, पर लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। मल्टीपर्पज डीसी मशीन दोस्तों ये है, काफी हेवी ड्यूटी है, इसका वेट ही इतना है तो आप समझ सकते हैं इसके अंदर में जो इन्होंने चीज यूज किया है सुगौन है, ऑलरेडी ब्रांडेड है, तो आपको इसका बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको और पिक्चर बता दूं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 4 मोड्स ऑफ चैनल मिलते हैं, जिसके अंदर में आप 4 अलग अलग रीडिंग्स को सेट कर सकते हैं यूज करने के लिए। जैसे मैंने M1 पे मोस्टली जो हमारे फोन को चालू करने के लिए रखता है, ये देखिए 4 वोल्टेज रखा है मैंने यहाँ पे और 2 एम्पियर करंट रखा हुआ है। इसके अलावा M2 में मैंने सेट नहीं किया हुआ है, ऑलरेडी सेट है, वो सेट कर सकते हैं इसको। सेट करने के लिए बहुत ही इन्होंने अच्छा आपको ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ये है वोल्टेज सेट करने के लिए यहाँ पे, और ये है आपका करंट सेट करने के लिए। बहुत ही फ्लुएंट और बहुत ही जबरदस्त चीज है दोस्तों ये। M3 जो है दोस्तों यहाँ पे भी एक आप रीडिंग सेट कर सकते हैं, और M4 पे अलग रीडिंग सेट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे ओवर करंट प्रोटेक्शन और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी मदद से क्या होता है कि जब भी कोई फोन के अंदर में अगर आप एक्स्ट्रा वोल्टेज दे रहे हो गलती से, बाय मिस्टेक समझ लीजिए कि आप M3 पे यूज करें जिसमें वोल्टेज ज्यादा है, और अपने पीसीबी को वोल्टेज 4.2 मैक्स होता है, इसके ऊपर अगर यूज करते हो पीसीबी डैमेज हो सकती है। तो क्या होता है जब हम कनेक्ट करते हैं ना, तो ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन क्या करता है, इसको ट्रिप कर देता है, तो ये बोर्ड पे सप्लाई जाने नहीं देगा, उसके पहले ये इसको ट्रिप कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है दोस्तों, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको कि 8.4 फंक्शनिंग पे आप इसको अलग से यूज कर सकते हैं, प्लस 30 वोल्ट पे आप इसको अलग से यूज कर सकते हैं, और ये मैक्स इसका आउटपुट चैनल दिया दोस्तों 30 वोल्ट 5 एम्पियर और 150 वाट का, इसके आपको ये मैक्सिमम रीडिंग दी हुई है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों, स्मार्ट प्रोडक्ट है, और मैं आपको जैसे बताया कि ये जो आपकी जगह बचा देता है, 2 टूल्स का आपको एक ही में काम हो जाएगा दोस्तों। तो ये प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे स्टोर पे विजिट कर सकते हैं, और इसे ऑर्डर कर सकते हैं आप कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया दोस्तों। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये प्रोडक्ट और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इसी तरीके से नए नए प्रोडक्ट्स और नए वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।